प्रमुख राज ठाकरे द्वारा पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जनमत कराने की मांग करने पर भाजपा ने भी इस संदर्भ में अपना मत साफ किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों के समर्थन में है। केंद्रीय नेतृत्व से मांग की गई है कि अब छोटे राज्यों का गठन हो, विदर्भ राज्य भी बनाया जाए। बावनकुले सोमवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान प्रभाग पद्धति को लेकर भ्रम की स्थिति का ठीकरा पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अघाड़ी ने चूक की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आधार बनाया गया था, लेकिन सरकार ने सभी नियमों को परे रखकर माटे 4% जनसंख्या वृद्धि दर्शाई। अब सरकार ने 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर फैसला किया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम पर बावनकुले ने महाविकास अघाड़ी की तुलना तीन पहिया के ऑटो से की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुलेट ट्रेन है जिसने ऑटो को मात दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन तेज गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि सीधे जनता से चुना गया सरपंच गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, सरकार ने इसलिए यह फैसला किया है। या सरकारचा विश्वास आता सरकारनी प्राप्त केला आहे। शिंदे फडणवीसांची बुलेट ट्रेन आणि महाविकास आघाडी सरकारचे ऑटो याच्यामध्ये खूप फरक आहे। तो तीन चाकी ऑटो होता, ही बुलेट ट्रेन आहे। ही बुलेट ट्रेन या कागदावरनं दिसत आहे। म्हणूनच या ठिकाणी 581 पैकी 300 ग्रामपंचायतचे सरपंच शिंदे आणि फडणवीसांच्या नेतृत्वात निवडून आले आहे। त्यामुळं त्यांना हे मान्य करायला लागेल ऑटोला की बुलेट ट्रेन निघाली आहे म्हणून। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।